नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए मार्केट ने आज क्या किया, देखिए कल हम लोग क्या बताए थे, आज देखेंगे निफ्टी 50 जो है 148 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया। देखिए कल मार्केट ने क्या बताया था हम लोग कि इसी जो लेवल है ये लेवल आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, जो मैंने लेवल बताया था कि 21,888। इस लेवल के बारे में कल भी बताया था हमने कि इसी लेवल के अंदर आप लोग देखिए, क्योंकि ये जो लेवल है देखिए इसी के अंदर एक सीधा के सीधा आप लोग एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ये ट्रेंड लाइन क्या करता है, क्या कहलाता है, ये रिश्ता है ना। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक मतलब शायद किसी का किसी में था, एक सीरियल का नाम है शायद। देखिए तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो सीधा के सीधा आपको नज़र में आएंगे कि यहाँ पे थोड़े बहुत सपोर्ट लेके भागा, यहाँ पे सपोर्ट लेके भागा, इसी के अंदर आया, यहाँ से सपोर्ट लेके भागा, तो ये एक सपोर्ट हो सकता है और इस सपोर्ट को तोड़ा तो यहाँ तक आने का संभावना बन सकता है। ठीक है, तो इस लेवल का भी अच्छे तरीके से याद रखना। ओके चलिए आप दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने इसी के बारे में बातचीत किया था और देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को आपको याद करना है कि मैंने ट्रेंड लाइन बार बार बताया था कि देखिए ये ट्रेंड लाइन को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी लेवल के अंदर बार 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 सपोर्ट लिया और इसी में सपोर्ट लेके फिर ऊपर के जाने का संभावना हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़े बहुत ऊपर कर देंगे तो आपको हो जाएगा। देखिए इसी में सपोर्ट लिया और इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो इसी लेवल का अच्छे तरीके से याद रखना और इस लेवल का तोड़ा तो यहाँ से सीधा के सीधा यहाँ तक आने का संभावना हो सकता है। ठीक है, पहला लेवल ए लेगा, दूसरा लेवल ए लेगा। ठीक है, तो इस लेवल को भी अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि ए लेवल आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकते हैं। इसी लेवल का मैंने और एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ए लेवल को इसको तोड़ा, फिर से ए लेवल सपोर्ट की तरफ हो सकता है और इसका ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, मतलब 44,444। ये डे चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको डरा नहीं रहा हो, ये डे चार्ट के हिसाब से ऐसे तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग है ट्रेडर का हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे हो सकते हैं। तो कल मेरे को ऐसे कोई नहीं लग रहा है कि कल इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट होगा, दिखा जाए क्या होता है। आज सुबह में जो मैंने ट्रेड किया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, चलिए उसके बारे में दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो जा रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसी के अंदर तो साज में हो जाएंगे। चलिए देखिए आज जो मैंने ट्रेड किया वो ट्रेड किया मैंने पहले वाला, मतलब यहाँ पे पी साइड में लिया था, जो पी साइड कहाँ पे मैंने लिया था ना 15, उसके बाद मैंने पी साइड में लिया था यहाँ पे बार 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 जो सपोर्ट ले रहे थे, मतलब रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो इसी के अंदर हमने पी लिया और यहाँ पे आके छोड़ दिया। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत पी साइड का मूवमेंट आ सकता है, जहाँ पे मैंने शायद 300 जो भी मैंने 44 या तो 55 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट कैप्चर किया। ठीक है, तो इसी में कैप्चर किया। दूसरी बात है इसी के अंदर जब भी ए लेवल का बार 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 रेजिस्टेंस ले रहा था और ए लेवल जब यहाँ तक आया तो इसी में हम लोग बाई किए थे और यहाँ पे थोड़े बहुत छोड़ दिया, क्योंकि आज बाहर जाना था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी छोड़ दिया, यहाँ पे भी 40 पॉइंट्स हम लोगों को हो गया। और दूसरा चीज़ यहाँ पे भी हम लोगों को 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने देख रहा था 888 ए लेवल का ब्रेकडाउन, ए लेवल जब ब्रेकडाउन आ रहा था तो इसी कैंडल में मेरा जो भी प्रॉफिट होना था वो भी प्रॉफिट हो गया। तो आज का ये था ट्रेड। चलिए आप देख लेते कि कल के लिए हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए कल के लिए आप लोग प्लान करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत ये मतलब नज़र रखना होगा थोड़ी बहुत चीज़ के बारे में, क्योंकि देखिए ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल को अच्छे तरीके से याद रखना और इस लेवल के अंदर ऊपर की तरफ भागा तो फिर से ये सब लेवल आ सकते हैं। ये जो लेवल है ये सब लेवल मतलब रेजिस्टेंस की तरह ऊपर की तरफ सब कुछ रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो चले देख लेते हैं क्या क्या लेवल आ सकते हैं। तो देखिए 46,888 इसके तोड़ने के बाद जो हमारा पहला वाला टारगेट होगा वो होगा 46,933, दूसरा टारगेट बनेगा 47,022, तीसरा जो हमारा टारगेट बनेगा वो बनेगा 47,133 और फोर्थ टारगेट बनेगा 47,222 और
फिफ्थ और लास्ट जो टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 47,444, यहां तक टारगेट आने का संभावना बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है कल के लिए, आप लोग ये सब प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसका ब्रेकडाउन आ गया, फिर से ए लेवल का ब्रेकडाउन आ गया। देखिए एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक क्या है ना, वहां पे जैसा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ए था, यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है ए लेवल। क्यों? देखिए पहला वाला यही सब रेजिस्टेंस जोन था, तो ए तोड़ेगा तो फिर से ए सब लेवल की तरफ आएगा मार्केट, तो ए लेवल भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ऊपर की तरफ ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही पहला वाला सपोर्ट था, अभी यही रेजिस्टेंस मान के बैठा है, तो ए लेवल को भी अच्छे तरीके से याद रखना। और आप लोग हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिया है लिंक पे जाके आप लोग 1000 एक कूपन कोड लगा के हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।